गुड मॉर्निंग ज्योति गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सभी को गुड मॉर्निंग और सारे लोग जुड़ जाइए क्लास से फटाफट क्लास स्टार्ट हो चुकी है स्ट्रेटेजी के कि जिसमें आज भी हम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज ये जो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं वो आपके किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और अगर डायरेक्टली नहीं भी पूछे जाते हैं तो उन पर बेस्ड जो आ, मतलब ऑप्शन के टर्म में बना दिया जाता है नया क्वेश्चन या उसके कॉन्टेस्ट में नया क्वेश्चन बना दिया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फटाफट सारे लोग जुड़ जाइए और दोस्तों को भी जोड़ लीजिए लिंक के थ्रू उनको शेयर करिए लिंक और बताइए कि स्टेटिक जीके की इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को डिस्कस किया जाना है तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुंदन गुड मॉर्निंग एंजल गुड मॉर्निंग नरेंद्र मोदी गुड मॉर्निंग नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नमस्ते भाइयों बहनों <laughs> चलिए आ जाइए सारे लोग फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए भाई सारे लोग ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हम लोग नरेंद्र मोदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास में और नमस्ते बोल रहे हैं नमस्ते भाइयों और बहनों तो सभी भाइयों और बहनों का नमस्ते सारे लोग जुड़ जाइए भाई फटाफट निक्की केन भी आ गई हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई जल्दी जुड़िए भाई सारे लोग चलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए रिमाइंड कराइए उन्हें एंजल जोसेफ कब से वेट कर रहे थे आपके क्लास का एंजल हाँ, थोड़ा सा लेट है हम यहाँ पे इलेवन एट हो चुके हैं तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को है ना जल्दी से जुड़ जाइए बाकी लोग भी दोस्तों को बता दीजिए तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जड़त्व का नियम सर्वोत्तम किसने दिया हु दिअ फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्सिया न्यूटन ने आर्कमेडीज ने गैलीलियो ने या इनमें से कोई नहीं तो भैया यहाँ पे इनर्शिया लॉ की बात हो रही है किसने सबसे पहले इस लॉ को दिया फिजिक्स का क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं और आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए चलिए बता दिए आप लोग में से किसको आंसर पता है इसका जड़त्व का नियम पूछा जा रहा है लॉ ऑफ एनर्सिया एनर्सिया का लॉ जो है वो किसने सबसे पहले दिया है ये आपको बताना है और तब तक आप आंसर मुझे बताइए तब तक मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉ ऑफ एनर्सिया के बारे में देखिए एनर्शिया जो है आपको मालूम होना चाहिए ये आपके डेली लाइफ में जो भी आप एक तरीके से जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं आपके थ्रू चाहे आप आ, पैदल चल रहे हों चाहे आप गाड़ी में बैठे हों है ना उसमें आपके बॉडी को मोशन के साथ कंट्रोल करने में या मोशन के साथ एडजस्ट करने में जिस कॉन्सेप्ट का यूज होता है वो एनर्शिया कॉन्सेप्ट ही है ना जैसे ही क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट होती है गाड़ी में ब्रेक लगता है तो आपकी बॉडी आगे और पीछे मूव करती है ठीक है आगे और पीछे थोड़ी देर के लिए क्यों मूव करती है क्योंकि वो एनर्शिया के हिसाब से अपने आप को मोशन में एडजस्ट करती है बॉडी में, में हर एक बॉडी में जिसमें भी मास होता है उसमें एक एनर्जिया भी होता है और एनर्जिया जो है वो मोशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है तभी वो बॉडी पूरी की पूरी बॉडी पूरा का पूरा सिस्टम उस तरीके से मूव कर पाता है राइट तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट होता है इसको सबसे पहले दिया है यहां पे किसने आंसर दिया है अंकित अंकित जायसवाल बोल रहे हैं ए नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं न्यूटन जी नहीं यहां पे ने सबसे पहले इसको बताया ठीक है गैलीलियो ने बोला कि भैया अगर आप रेस्ट पे हैं और मोशन पे आना चाह रहे हैं या कोई बॉडी जो रेस्ट पे है उसको आप मोशन में लाना चाह रहे हैं गति देना चाह रहे हैं तो पहले उसके एनर्जिया को बेक करना पड़ेगा जब तक आप उसके एनर्जिया को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगी दूसरी बात उन्होंने ये बोली मोशन वाली बॉडी मतलब जो ऑलरेडी कोई बॉडी मूव कर रही है मोशन में है अगर उसके स्पीड में चेंज लाना है उसके डायरेक्शन में चेंज लाना है तब भी आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मतलब दो बातें उन्होंने बोली एक रेस्ट के लिए और एक मोशन के लिए जब कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू ब्रेक दी ऑफ दैट बॉडी और दैट सिस्टम राइट और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए या उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी राइट right? तो ये गैलीलो साहब ने पहली बार बताया और इसको बोला गया लॉ ऑफ एनर्जिया राइट काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप इसको दिमाग में रख लें चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की दनी, तनी टोरी पर रख कर खींचने से उसमें संचित ऊर्जा किस प्रकार की होती है द एनर्जी स्टोर्ड इन एन एरो कीपिंग वन एंड ऑफ एन एरो ऑन द स्ट्रिंग ऑफ द बो एंड पुलिंग इट इज गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं तो चलिए भाई अब एक धनुष मतलब धनुष बाढ़ का सिस्टम आप देखते हैं बचपन में आपने भी काफी धनुष बाढ़ बनाए होंगे है ना उसको चलाया होगा तो जब आप धनुष को खींचते हैं है ना डोरी से तो खींचने पे वहां पे कौन सी एनर्जी स्टोर होती है धनुष में राइट तो वो आपको बताना है तो काफी इजी सवाल है आपने जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ी है साइंस उसमें जरूर इसको बताया जाता है एक एग्जाम्पल लिया जाता है जब भी फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है आपको फिजिक्स में मोशन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है एनर्जी का जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो जरूर इसको समझाया जाता है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है तो चलिए बता दीजिए किसको किसको आंसर पता है इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई गुड मॉर्निंग सभी को भाई जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाइए और जवाब देते जाइए फटाफट अब यहाँ पे एक काफी इजी सवाल है धनुष बाढ़ का सिस्टम है जब धनुष को आप खींचते हैं तो उसमें किस तरीके की एनर्जी स्टोर होती है भाई वहां पे एनर्जी आप स्टोर करते हो तभी ना आप वो स्टोर्ड एनर्जी को बाढ़ में गतिज एनर्जी के रूप में छोड़ पाते हो है ना तो चलिए मैंने यहाँ पे एक हिंट आपको दे दिया कि जब आप बाढ़ को छोड़ते हो तब वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में मूव कर रही होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही होती है लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी किस फॉर्म में स्टोर्ड एनर्जी को यूज करके मिलती है आपने जब धनुष को खींचा डोरी को खींचा तो कौन सी एनर्जी स्टोर हुई जो बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है ये बेसिकली क्वेश्चन है राइट तो यहां पे प्रकाश झा बोल रहे हैं बी अंकित जायसवाल बोल रहे हैं बी कुंदन बोल रहे हैं बी निकी बोल रहे हैं बी अच्छा गुड्डू भैया क्या बोल रहे हैं जो लोग न्यूटन कहत रहे पहले सवाल का जवाब वो सब मिर्जापुर आ जाओ अच्छा स्कूल खुलवाए हैं <laughs> अच्छा चलिए तो गुड्डू भैया बिल्कुल स्कूल आप खुलवाइए और वहाँ के बच्चों को शिक्षा दीजिए पहले है ना तो ये बताइए यहाँ पे बाकी लोग भी आंसर पुट करिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी या इनमें से कोई नहीं चार चार लोगों ने जवाब दिया है और चारों ने बी बोला है चलिए जान लेते हैं करेक्ट आंसर तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जब धनुष में आप डोरी को खींचते हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और जब आप बाढ़ को छोड़ते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है है ना जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर करोगे मतलब कि धनुष जितना बड़ा होगा स्ट्रिंग जितनी ज्यादा आप खींच पाओगे उतना ही ज्यादा वहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है राइट तो ये है अच्छे से याद कर लीजिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी विच मुस्लिम रूलर हैड द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन द द्वाइंस मोहम्मद गोरी अलाउद्दीन खिलजी अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं तो भाई बता दीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस मुस्लिम शासक ने अपने शासन के दौरान जो सिक्के जारी किए थे उसमें देवी लक्ष्मी के देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी जल्दी से सारे लोग जवाब दे दीजिए बताइए भाई क्वेश्चन सबको दिख रहा है सब लोग पढ़ पा रहे हैं किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी तो ये इसका आंसर आपको बताना है चलिए भाई बताइए पे करेक्ट आंसर क्या होगा कोई तो आंसर बताओ कुंदन बोल रहे हैं ए रोहित बोल रहे हैं सर गुड मॉर्निंग करते हैं बिल्कुल आपको भी गुड मॉर्निंग करते हैं रोहित यहाँ पे आप जल्दी से जवाब दे दो इस क्वेश्चन का किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी तो ये बेसिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन ये छोटे क्वेश्चन हैं और स्ट्रेटेजी के में इस तरीके से मिला के पूछ लिया जाता है चलिए तो जान लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बने होने की बात की जा रही है और किसी मुस्लिम शासक के दौरान तो यहाँ पे भैया मोहम्मद गोरी है जी मोहम्मद गोरी के शासन के दौरान जो सिक्के जारी किए गए थे उनको आ, उनमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी ये आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिए राइट और यहाँ पे जो सिक्के जारी किए गए थे सिक्के जो जारी किए गए थे मोहम्मद गोरी के द्वारा और आ, एक मतलब वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि आ, जो एक मान्यता थी आ, इंडियन कॉन्टिनेंट में देवी लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में कहीं ना कहीं उससे प्रेरित है राइट तो यहाँ पे देवी लक्ष्मी की आकृति जो है मोहम्मद गौरी के शासन के दौरान जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें यह आकृति बनी हुई थी अब यहाँ पे अगर हम बात करें अलाउद्दीन अकबर तो देखिए इनके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अलाउद्दीन खिलजी और उनके सक्सेसर ने जो सिक्के जारी किए सोने और चांदी के बेसिकली जारी किए और इनको जो बोला जाता था वो टंका बोला जाता था इन सिक्कों को क्या बोला जाता था टंका बोला जाता था ठीक है मतलब दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने या उनके सक्सेसर ने जो सिक्के जारी किए गोल्ड और सिल्वर के वो टंका बोले जाते थे अच्छा अकबर हैं अकबर के समय जो क्वाइन चलते थे वो सिल्वर के भी चलते थे गोल्ड के भी चलते थे और कॉपर के भी चलते थे राइट और इनको क्या बोला जाता था इनको बोला जाता था मुहर ठीक है क्या बोला जाता था मुहर राइट ये लेटेस्ट क्वाइन है और ये आपने अपने दादा पर दादा लोगों से ये जरूर सुना होगा एक आ, मतलब मैंने तो सुना है अपनी दादी से वो बोलती थी कि भैया पड़ोस के यहाँ या पड़ोसी के पास इतनी मोहरें थीं इस वजह से वो धनी था पहले से ही है ना तो कहीं ना कहीं मुगल में ये जो क्वाइन का इंट्रोडक्शन था मोहर के नाम से वो ब्रिटिश काल तक चलता रहा एक तरीके से आ, आम जनमानस में और आ, जो पहले मुगल शासन के, के दौरान Uh, मोहरें थी जिन लोगों ने उसको स्टोर करके रखा हुआ था एक तरीके से है ना उसको uh, जमा पूंजी के तौर पे रखा हुआ था कहीं गाड़ के रखा हुआ था तो ये सब मेथड्स uh, थे लेकिन ये आप जान लीजिए कि uh, जो क्वाइंस के टर्म में लेटेस्ट वर्ड है एक तरीके से वो क्या है मोहरी है राइट आप सब लोगों में से कई लोग इससे वाकिफ़ होंगे राइट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द्रव्यमान युक्त तो कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं यह बल कौन सा है एनी टू बॉडीज है घर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल चुमकी बल या इनमें से कोई नहीं चलिए भाई बता दीजिए यहां फटाफट आप सबको आंसर बताना है बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो बॉडीज के थ्रू एक दूसरे पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है वो किस तरीके के वो कौन सा बल है उस बल को हम किस टाइप का बल बोलते हैं तो यहां ऑप्शंस गिवन है बताइए क्या होगा काफी इजी सवाल है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया गुड्डू भैया अच्छा बिल्कुल अच्छी सोच है गुड्डू भैया और अपने विचारों को बढ़ाते रहिए और इस विचार के प्रति कुछ काम भी करते रहिए अच्छा गुड्डू भैया आगे लिख भी रहे हैं मोदी जी आपके ही अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं ग्रेट <laughs> आंसर तो बता दो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई फटाफट पड़। काफी इजी सवाल है द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं या कौन सा बल है प्रकाश झा बोल रहे हैं भी बाकी लोग भी बताइए भाई फटाफट रोहित मौर्या ए बोल रहे हैं चलिए जान लेते हैं करेक्ट ऑप्शन यहां पे तो देखिए यहां पे दो बॉडीज द्रव्यमान कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं यह बल कौन सा है तो यहां पे ये गुरुत्वाकर्षण बल है ग्रेविटेशनल फोर्स है राइट मतलब क्या है कि न्यूटन ने जब ये ग्रेविटेशनल थ्योरी रखी कि भैया यूनिवर्स के कोई भी दो पिंड किसी भी मास के हों वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं बल लगाते हैं एक दूसरे के लिए बल लगाते हैं और ये बल जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है मतलब ये है कि पिंड पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मास का हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे राइट और इसको हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं राइट आप सबको मालूम होना चाहिए न्यूटन ने दिया था अपनी उनकी जो बुक आई थी प्रिंसपिया राइट तो उसमें इसको एक तरीके से मेंशन किया गया था और गुरुत्वाकर्षण बल को उन्होंने एक पूरा यूनिवर्सल लॉ के रूप में एक तरीके से स्टैब्लिश किया बताने की कोशिश की कि जितनी भी यूनिवर्सल बॉडीज हैं किसी भी मास की हों उनके बीच एक फोर्स लगता है और ये फोर्स जो होता है वो पृथ्वी में जब कोई बॉडी नीचे की ओर गिर रही होती है धरातल की ओर गिर रही होती है तो यही फोर्स ही इस चीज के लिए भी रिस्पांसिबल है मतलब यह है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, एक तरीके से उनमें भी यही फोर्स रिस्पांसिबल है और पृथ्वी में पृथ्वी के केंद्र की ओर कोई वस्तु गिरती है तो उसके लिए भी यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है राइट तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल बाद में इस थ्योरी को काफ़ी एक्सेप्ट किया गया है ना इसकी जो मैथमेटिकल अप्रोच है अप्रोच है जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक सही है लेकिन बाद में जब आइंस्टीन साहब आते हैं तो आइंस्टीन साहब जो है वो इस थ्योरी को एक तरीके से नकार देते हैं और वो बोलते हैं कि जो यूनिवर्सल बॉडीज़ हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन है आ, मतलब उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ एक अलग कॉन्सेप्ट है और वो जब आप उसको सेलेस्टियल बॉडीज को एक आ, स्पेस और टाइम के रेफरेंस में देखते हैं तब वहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझने आ, को मिलता है मतलब ये है दोस्तों मैं इसको शॉर्ट में अगर समझाने की कोशिश करूं तो आइंस्टीन ने यह बोला कि भैया जो हमारा आ, स्पेस है उस स्पेस में अगर आप टाइम को रख लेते हैं तो वहां पे एक स्पेस टाइम का ग्रिड बनता है एक फैब्रिक टाइप का ग्रिड बनता है इसको आप इमेजिनरी मान सकते हैं राइट लेकिन उन्होंने ये बोला कि जब इस ग्रिड में कोई सेलेस्टियल बॉडीज बड़े मास की बॉडी एंटर करती है तो वो क्या करती है इसमें स्लोप पैदा करती है इसमें कर्वेचर पैदा करती है और इस कर्वेचर की वजह से ही जो बॉडीज हैं वो क्या करती हैं मोशन में आ जाती हैं राइट मतलब ये है अब मान लो कोई एक पर्दा है ठीक है मेरे हाथ में कोई एक आ, बड़ा सा आ, कपड़ा है और उसमें मैंने एक मांस वाली बॉडी को सस्पेंड कर दिया ठीक है पहले क्या था आ, पर्दा जो है था एकदम प्लेन था लेकिन जैसे ही मैंने उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला तो उसमें क्या आ गया कर्वेचर बन गया पिंड के आसपास कर्वेचर बन गया तो पिंड के आसपास जो कर्वेचर बन गया अब उस कर्वेचर के आसपास अगर आप कोई भी पार्टिकल रखोगे तो वो क्या होगा वो भी नीचे जाने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली वो नीचे चला जाएगा वो स्टेट पे स्टेट कंडीशन में नहीं रह पाएगा तो इस कर्वीलिनियर नेचर की वजह से वो क्या हो गया नीचे चला गया उसमें मोशन आ गया तो आइंस्टीन साहब यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया पूरे यूनिवर्स uh, में जो सेलेस्टियल बॉडीज मूव कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस और टाइम के ग्रिड में डिस्टरबेंस की वजह से होता है ठीक है स्पेस टाइम का ये जो ग्रिड है उसकी वजह से राइट right? तो अच्छे से दिमाग में रख लीजिए दोनों में फर्क है हालांकि जो मैथमेटिकल वैल्यू है जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो काफी हद तक सेम है गुरुत्व जो न्यूटन ने दिया और आइंस्टीन ने दिया राइट right? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम बताइए नेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू आरिफ मोहम्मद खान सत्यपाल मलिक या भगत सिंगली कोश्यारी चलिए अब यहाँ पे काफी इजी सवाल है आपको इससे अपडेटेड जरूर होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के टाइम में बात हो रही है है ना आपको मालूम होना चाहिए कि दो में भारत सरकार ने तीन अनुच्छेद को खत्म किया उसके तहत जो स्पेशल पावर थी जम्मू एंड कश्मीर को दी गई थी वो खत्म हो गया एक तरीके से और वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आया इसके साथ लद्दाख भी सामने आया तो दो यूनियन टेरिटरीज बनी 370 रिमूव करने के बाद राइट अब जब यूनियन टेरिटरी बनी तो उनको उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर की भी जरूरत पड़ेगी है ना तो यही पूछा जा रहा है कि पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जे के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वो कौन है तो प्रकाश जब बोल रहे हैं ए अंकित जायसवाल ए बोल रहे हैं बाकी लोग भी आंसर पुट करें बताइए भाई आपको मालूम होना चाहिए एक तरीके से इसको आप करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन मान सकते हैं यहां पे ऑप्शंस गिवन है गिरीशन मुर्मू आरिफ मोहम्मद खान सत्यपाल मलिक या भगत सिंगली कोश्यारी बताइए कौन सा होगा आंसर रोहित मौर्य बोल रहे हैं ए कुंदन कुमार बोल रहे हैं सब लोग यहाँ पे ए आ, 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 आंसर दे रहे हैं अच्छा जी तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का जो नाम है वो गिरीश चंद मुर्मू ही हैं जिन लोगों ने भी आंसर दिया है सबका करेक्ट आंसर है राइट तो गिरीश चंद मुर्मू जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आ, उन्होंने एक तरीके से जब आ, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी तो उस समय इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे भी पदभार संभाला था अभी गिरीश मुर्मू जो हैं वो भारत के कैग हैं क्या हैं कैग हैं सीजी हैं ठीक है तो इनको पहले जम्मू और कश्मीर का पहले राज्यपाल के रूप में नामित किया गया अपॉइंट किया गया है ना और बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया रिजाइन करने के बाद वहां पे जो दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय काम कर रहे हैं वो हैं मनोज सिन्हा कौन है मनोज सिन्हा ये भी आपको मालूम होना चाहिए कौन है मनोज सिन्हा इस समय राइट अच्छा अब इसके साथ अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में इस समय कौन है उपराज्यपाल ये आप बता दीजिए एक दूसरा सवाल यहां पे बन जा रहा है बताइए कौन है लद्दाख के उपराज्यपाल बताइए भाई लद्दाख के उपराज्यपाल की बात हो रही है तो गिरीश मुर्मू पहले थे जम्मू कश्मीर के बाद में रिजाइन कर देते हैं वो और इस समय भारत के कैग हैं और इस समय जो उपराज्यपाल हैं जम्मू और कश्मीर के वो मनोज सिन्हा हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर आप जान लीजिए करेक्ट आंसर यहां पे है लद्दाख के टाइम में आर के माथुर कौन है आर के माथुर राइट right? तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं और ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल भी हैं राइट अच्छा चलिए दिमाग में इसको अच्छे से रख लीजिए क्वेश्चन बन सकता है दोनों के टर्म में मालूम होना चाहिए आपको अगला सवाल देखें चलिए एंजल जोसेफ ने आंसर ए दिया था बिल्कुल सही था चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी बिकम वुमन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश या राजस्थान बताइए भाई स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी की बात हो रही है तो भारत के किस राज्य की वो पहली महिला मुख्यमंत्री थी बताइए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बताइए भाई फटाफट कुंदन बोल रहे हैं एंजल बोल रही है प्रकाश झा बोल रहे हैं रोहित मौर्य बोल रहे हैं अच्छा तो सुचेता कृपलानी जो है वो उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनाई जाती है पहली महिला मुख्यमंत्री अच्छे से याद कर लीजिए राइट अच्छा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत की वो पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं राइट ये भी दिमाग में रखिए क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी रही हैं तो वो सुचेता कृपलानी रही हैं, ग्रेट फ्रीडम फाइटर ये भी रही हैं, राइट और इनको उत्तर प्रदेश का पहला महिला मुख्यमंत्री बनाया जाता है अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री थी राइट कौन सी थी फोर्थ चीफ मिनिस्टर थी ठीक है और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी अच्छा अगर हम इनके टेन्योर को देखें ईयर को देखें तो 1963 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है राइट तो ये भी आप टेन्योर भी दिमाग में रख लीजिए और ऑर्डर भी दिमाग में रख लीजिए देश के टर्म में भी बात रख लीजिए दिमाग में कि भाई ये देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में है ना अच्छा उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिक अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश से किसी अच्छा उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिक अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश से किसी एग्जाम में तो वहां पे ये क्वेश्चन बन भी चुका है आगे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है है ना तो यह भी मालूम होना चाहिए आपको तो फर्स्ट जो सीएम हैं वो हैं गोविंद बल्लभ पंत राइट ये आप दिमाग में रखिए गोविंद बल्लभ पंत जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं राइट right? तो ये तीन चार चीजें हैं इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं दिमाग में अच्छे से याद कर लीजिए देखते हैं क्वेश्चन पानी की बूंदों का तैली पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है द रीजन वाई वाटर ड्रॉपलेट नॉट स्टिक टू दी सर्फेसिस आपस में मिल नहीं सकते तेल के पेक्षा जल हल्का होता है आसंजक बल का अभाव होता है या पृष्ठ तनाव की वजह से तो बताइए भाई कैन नॉट मीट विथ ईच द वाटर इज लाइटर देन ऑयल लैक ऑफ एडहेसिव फोर्स या सरफेस टेंशन तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के सवाल बनते हैं बताइए कि पानी की बूंदों का तैलीव पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है मतलब कि जो पानी की बूंद है अगर किसी ऑयली सरफेस पे आप उसको डालते हैं तो वो क्या होता है सिर्फ ड्रॉपलेट के रूप में ही वहाँ पर दिखता है वो फैलता नहीं है वहाँ पे ठीक है तो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है क्वेश्चन आप सबको पढ़ में पढ़कर समझ में आ रहा होगा बता दीजिए जल्दी से आंसर <coughs> कुंदन कुमार बोल रहे हैं डी बाकी लोग भी बताइए भाई एंजल जोसेफ डी बोल रही हैं चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जान लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर डी नहीं है यहाँ पे है सी आसंजक बल का अभाव यानी कि lack of adhesive force राइट right? तो lack of adhesive force जो है उसकी वजह से पानी उस सरफेस पे अगर सरफेस ऑयली है तो उस सरफेस पे वो फैलता नहीं है बल्कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में ही बना रहता है राइट right? तो कंफ्यूज नहीं होना है देखिए वाटर की जो ड्रॉपलेट फॉर्म होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से बनती है लेकिन सरफेस पे वो जो पानी फैलता है तो वो क्या होता है एडहेसिव फोर्स की वजह से होता है जब भी दो डिफरेंट मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स राइट और सेम मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम करता है उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं राइट right? तो सरफेस एक अलग मैटर है और वाटर एक अलग मैटर है उनके बीच में अगर इंट्रैक्शन होता है तो वो क्या होता है फैलता है राइट right? मतलब वाटर फैलता है उस इंट्रैक्शन की वजह से और वो जो फ़ोर्स होता है वो एडहेसिव फोर्स होता है राइट इसके बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं अगर देखो मैं यहाँ पे क्या है डिजिटल बोर्ड में मार्क कर रहा हूँ तो ये तो डिजिटली uh, यहाँ पे सेंसर की वजह से मार्क हो पा रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पे चौक से लिख रहा होता है ना वो जो हमारे गुरु लोग लिखते थे ना चौक से तो या मार्कर से भी अगर हम लिख रहे हैं तो वो जो मार्किंग हो पाती है वो जो लिखा जाता है बोर्ड पे वो मार्किंग इसीलिए हो पाती है क्योंकि उनके बीच मतलब सरफेस ब्लैक बोर्ड और चौक के बीच ब्लैक बोर्ड या मार्कर के बीच एडहेसिव फोर्स काम करता है अगर एडहेसिव फोर्स काम ना करे तो मार्किंग नहीं हो पाएगी वहां पे वो रिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं जो आपने लिखा राइट तो ये चीजें हैं छोटी छोटी दिमाग में रखिए क्वेश्चन इनके टम में बनता रहता है अब ब्लैक बोर्ड के में भी क्वेश्चन बन सकता है तो वहां पर भी क्या होगा आसंजक बल ही काम करेगा एडहेसिव फोर्स ही है ना तो ये दिमाग में आप अच्छे से रख लीजिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द द फॉलोइंग फर्स्ट आर्मी ऑफिसर ऑफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी रैंक फील्ड मार्शल तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है सैम गोपाल गुरुनाथ बेवूर ओम प्रकाश मल्होत्रा या तपीश्वर नारायण रैना चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पहले सैन्य अधिकारी कौन थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी जाती है नाम बता दीजिए आप सबको मालूम होना चाहिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा टिंकल वर्मा ट्रिपल सी टिंकल वर्मा ट्रिपल सी क्या ट्रिपल सी क्या ट्रिपल सी एग्जाम की आप बात बोल रहे हैं या कुछ और इसके टर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए चलिए भाई इसका बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे कुंदन ने आंसर दिया है ए टिंकल वर्मा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट बोल रहे हैं पहले सी 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 बोल रहे हैं फिर उसके बाद ए बोल रहे हैं अच्छा तो भाई बताइए पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी सवाल है इसको काफी आपने सुना की दी है। तो मैं पे आपको बता देता हूँ फटाफट करेक्ट आंसर यहाँ पे है सैम मॉनिक्सा कौन है सैम मोनिक्सा को यह पहला पद दिया गया था फील्ड मार्शल इंडियन मिलिट्री में अगर देखा जाए तो इससे बड़ा पद नहीं होता है इससे बड़ी रैंक नहीं होती है और इसको जनरली मतलब रूटीन में नहीं रखा गया है सबसे बड़ा जो एक तरीके से पद रखा गया है वह जनरल का ही रखा गया है लेकिन ये जो रैंक दी जाती है वो एक तरीके से वॉर टाइम के समय दी जाती है यानी कि युद्ध के समय जब कोई एक इनक्रेडिबल काम किया जाता है कोई एक जैसे साइम मानकसा ने काम किया है ना तो उस तरीके अगर कोई काम किया जाता है तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑनर करने के लिए इस तरीके की रैंक दी जाती है तो बेसिकली आप ये समझिए कि ये जो रैंक है वो रूटीन में नहीं है लेकिन इसको युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद इसको दिया जा सकता है इनक्रेडिबल वर्क के लिए राइट तो ये आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए सैम मानिकसा एक ग्रेट पर्सनैलिटी रही हैं उनके बहादुरी के किस्से भी आपने काफ़ी सुने होंगे है ना और इसी बहादुरी और साहस की वजह से ही यहाँ पे सैम मानेक को ये ऑनर दिया गया था इंदिरा गांधी ने इनको इस तरीके से ऑनर किया और इनका जो मेन रोल रहा है वो 1971 जो एक तरीके से वॉर रहा है है ना इस वॉर के थ्रू जो बांग्लादेश का जन्म होता है तो इसमें इंदिरा गांधी का मानना ये था कि भाई सैम मानेक हम आपको अपॉइंट करते हैं और आपकी योग्यता पे पूरा भरोसा है लेकिन हम ये चाहते हैं कि युद्ध आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए मतलब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए लेकिन उस टाइम पे सैम मानिकसा ने एक तरीके से मना किया कि नहीं अभी युद्ध की जो शुरुआत है वो अभी नहीं की जा सकती है तो इंदिरा गांधी जैसी लीडर को और एक तरीके से उनके मुँह पर मना करना ये सैम ही कर सकते थे एक निडर और बेबाक टिप्पणी करते थे और बहादुर तो थे ही है ना बहादुर के टम में इनका एक, एक बोला जाता है किस्सा है आप सबको जरूर जानना चाहिए हुआ क्या था कि 1942 में जब ये ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे बर्मा और जापान के बीच युद्ध चल रहा था तो बर्मा फ्रंट से ये जापान को एक तरीके से जवाब दे रहे थे और उस समय इनको कई सारी गोलियां लगी सात आठ गोलियां लग गई लंग्स में भी लगी लीवर में भी जाके लगी किडनी में भी जाके लगी तो जब इनको ये गोलियां लगी तब भी ये बहादुरी से लड़ रहे थे और एक अंग्रेज़ इनकी बहादुरी को देख रहा था वो इतना प्रभावित हुआ कि जब इनको वो घायल हो गए तो वो इनसे प्रभावित होकर इनके पास दौड़ के जाता है और पहले अपने वर्दी का बैज निकाल कर इनको लगाता है कहता है इसके हकदार तुम हो फिर उसके बाद उनको हॉस्टल ले जाया जाता है वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर रहते हैं उनको दिखाया जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर इनकी सिचुएशन को देखकर बो बोलते हैं भैया ये बच नहीं पाएंगे इन पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है तब तक मैं दूसरे जो सैनिक हैं उनको देख लूँगा तो उनको काफ़ी फोर्स किया जाता है कि नहीं आप देखो सैम मानिक साहब बच सकते हैं ये है वो है तो डॉक्टर भी एक तरीके से एग्जामिन करना चाहता है वो देखना चाहता है कि जो पेशेंट है वो होश में है या नहीं है तो वो क्वेश्चन करता है सैम मानिक सर से कि भाई जवान तुम्हें हुआ क्या है तो सैम मानेक ने बड़े ढंग से जवाब दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ मुझे खच्चर ने लात मारी है <laughs> तो ये एक मतलब उनकी उस सिचुएशन में भी बहादुरी और उनका जो ह्यूमर था वो डॉक्टर को प्रभावित करता है डॉक्टर ने तुरंत इलाज किया और सायक साहब बच जाते हैं और यहां पे उनका रोल दिखता है बांग्लादेश के वॉर में और काफी इनक्रेडिबल रहता है तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में है ना और यहां पे दूसरी बार इस रैंक को किस को दिया जाता है ये आप मुझे ऑप्शन में बताइए जल्दी से फटाफट इसको दूसरी बार इस रैंक को दूसरी बार भी दिया गया है राइट right? अच्छा इस रैंक के इक्विवेलेंट जो रैंक है नेवी में एयरफोर्स में वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए इसका जवाब आप मुझे दोगे कमेंट में जल्दी से दो राइट right? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नए ने खोजे गए उच्च तापमान वाले सुपर कंडक्टर कौन से हैं द न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्पर्ड सुपर कंडक्टर आर मिश्र धातु शुद्ध दुर्लभ पृथ्वी धातु सिरेमिक ऑक्साइड या अकार्बनिक बहुलक यानी कि अलॉयज हैं प्योर रेयर अर्थ मेटल्स हैं या सिरेमिक ऑक्साइड्स हैं या इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जल्दी से जवाब दे दीजिए काफी इंपॉर्टेंट है हाई हाई न्यूली डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे भैया सुपर कंडक्टर्स का मतलब ये है कि वहां पे रजिस्टिविटी जो है वो एक लेवल एक पे खत्म ही हो जाए मतलब रजिस्टिविटी जब खत्म हो जाए किसी भी मैटर की तो वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर पाता है है ना आपको मालूम होना चाहिए कि जो कंडक्टिविटी है किसी भी मैटर की अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में उसको देखें तो जनरली हम मेटल्स को ही करते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये सुपर कंडक्टर नहीं बन पाते हैं ये भी क्योंकि इनमें रजिस्टिविटी होती है राइट जब मैटर से रजिस्टिविटी खत्म हो जाती है तब उसको हम सुपर कंडक्टर की तरह कंसिडर करते हैं और वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो अभी प्रैक्टिकली हमने ऐसा कोई सुपर कंडक्टर बनाया नहीं है कि जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में इजनेस फील हो राइट तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है लैब में भी इसको टेस्ट किया गया है हो सकता है बट उसको प्रैक्टिकली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं किया जा सकता है राइट तो इसका आंसर आप बता दीजिए प्रकाश झा बोल रहे हैं सॉलिड टू लीजेंड अच्छा ग्रेट सैम मानसा के लिए बोल रहे हैं तो बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है नए खोजे गए उच्च तापमान वाले सुपर कंडक्टर कौन से हैं चलिए मैं इसका आंसर आपको बता यहाँ यहां पे है सिरेमिक ऑक्साइड जी हाँ सिरेमिक ऑक्साइड जो एक high temperature, high temperature है एक तरीके से न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्पर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं राइट हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं राइट right? तो काफी इंपॉर्टेंट है सिरेमिक के ऑक्साइड्स हालांकि इसको अगर आप मैं फिर अगेन आपको बोलूंगा कि इसको अगर आप प्रैक्टिकल तौर पे मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इश्यूज़ हैं बिकॉज सिरेमिक जो होता है वो क्या होता है ब्रिटल नेचर का होता है है ना इस वजह से उसके कंडक्टर्स बनाना उसको एक तरीके से मतलब जो भी आप अप्लाइंस बनाना चाह रहे हैं वायर्स बनाना चाह रहे हैं है ना उन सब में बड़ा इशू आएगा इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली बट यहाँ पे थोरटिकली uh, या प्रैक्टिकली लैब में इसको करके देखा गया है ये क्या है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हैं सुपर कंडक्टर की बात क्यों कर रहे हैं इतना जरूरी क्यों है तो थोड़ा सा आप जान लीजिए देखिए कंडक्टर जैसे हम मान लो कि पावर हाउस से घरों में बिजली सप्लाई कराते हैं पावर हाउस से घरों में जो बिजली आती है वो क्या होती है जनरली एल्यूमिनियम वायर से आती है है ना एल्यूमिनियम की जो वायर है वो उसकी अगर कंडक्टिविटी देखी जाए तो कॉपर uh, से कम होती है कॉपर ज़्यादा कंडक्टिव नेचर का होता है लेकिन कॉपर होता क्या है कि उसके सिर्फ़ अप्लाइंसेज ही बनाए जाते हैं उसको वायर के रूप में बड़ी बड़ी वायर लंबी लंबी वायर के रूप में नहीं यूज किया जाता है क्यों क्योंकि कॉपर हमारे रिसोर्सेज के टर्म में कम मिलता है और महंगा मिलता है है ना उसको इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसको अप्लायसेज में यूज़ किया जाता है लेकिन सप्लाई के टर्म में सिर्फ एल्युमिनियम को यूज़ किया जाता है क्यों क्योंकि एल्युमिनियम काफ़ी मात्रा में मिलता, मिलता है ए मिलता है लेकिन इसमें एक डिस एक डिसएडवांटेज ये मिलता है कि जब आप सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो उसमें काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई में ही खर्च हो जाती है इन टर्म्स ऑफ टम्परेचर बिकॉज एलमिनियम की जो रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है इससे क्या होता है कि जब आप करंट फ्लो करा रहे होते हैं पावर हाउस से घरों तक तो वो करंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय हो जाती है रजिस्टिविटी को खत्म करने के लिए है ना बिकॉज़ रेजिस्टिविटी खत्म होगी तभी ना करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो मतलब एक तरीके से आप एक बैरियर खत्म कर रहे होते हैं आप अपने बैरियर्स को खत्म कर रहे हैं बैरियर्स को खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं है ना तो इसमें बैरियर्स को खत्म करने में भी तो एनर्जी खर्च होगी है ना तो इसलिए यहां पे क्या है इलेक्ट्रिसिटी में भी एनर्जी खर्च होती है और इसलिए हम बात करते हैं कि भैया ऐसा कोई वायर मिल जाए ऐसा कोई मेटल मिल जाए ऐसा कोई सब्सटेंस मिल जाए जिसकी वायर बनाई जा सके और इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई की जाती है वो पूरी की पूरी यूज हो पाए उसमें लॉस ना हो है ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिस दिन सुपर कंडक्टर मिल जाएगा उस दिन एक नया रेवल्यूशन आएगा है ना हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को यूज कर पाएंगे

बोला जा रहा है राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान निम्नलिखित तो में से किस स्थान पर स्थित है राइट right? राइट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लखनऊ अच्छे से याद कर लें चलिए देखते ले मेनी बैंक नेशनलाइज इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन उन्नीस सौ उनहत्तर में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन इसके डिटेल में नहीं जाएंगे सिर्फ नंबर आपको याद रखना है और जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो उसमें

सिचुएटेड इन विच ऑफ कंट्रीज़ नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका या भूटान अब देखिए यहाँ पे कैपिटल्स के टर्म में इंपॉर्टेंट सिटीज़ के टर्म में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके के में तो उस तरह का ये क्वेश्चन है काफी इम्पोर्टेंट है है ना तो इसको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आंसर जान लेते हैं तो ये जो शहर हैं कैंडी जाफना और गाले ये श्रीलंका के शहर हैं राइट श्रीलंका काफ़ी न्यूज में है काफ़ी आ, तीन चार महीने से अच्छे से आपको श्रीलंका के बारे में पढ़ लेना चाहिए उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको ढंग से पढ़ लेना चाहिए है ना वहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वो क्या है उसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं और किस तरीके से वो अब आने वाले आ, समय में किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है सिचुएशन को किस तरीके से वो टैकल कर रहा है ये सारी चीजें है ना चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच एटमोस्फ्रिक लेयर ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में मौजूद है लीथोस्फेयर आइनोस्फियर स्ट्रेटोस्फेयर या बायोस्फेयर आप देखिए यहाँ पे ओजोन स्पेयर की बात की जा रही है ओजोन परत की बात की जा रही है है ना आप सबको मालूम होगा कि ओजोन परत है काफ़ी इम्पोर्टेंट परत है हमारे वायुमंडल में बिकॉज ये सूर से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावाट किरणें हैं उनको अब्जोर्व करती है रोकती है है ना और धरती पर जो आ, पाया जाने वाला जयोमंडल है उस जयोमंडल को बचाता है बिकॉज ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर यहाँ पे आएंगी तो वो काफी नुकसान पहुंचाएंगे यहाँ के जयमंडल को है ना तो इनका काफी मतलब इस परत का काफी इंपॉर्टेंट रोल है पृथ्वी पे पाए जाने वाले जयमंडल के लिए तो आप बताइए कि हमारे धरती से जुड़ा हुआ जो वायुमंडल है वायुमंडल में जो कई परतें हैं या कई मंडल हैं किस मंडल में ओजोन परत मिलती है तो रोहित मौर्या बोल रहे हैं सी टिंकल वर्मा बोल रहे हैं सी अंकित जायसवाल बोल रहे हैं स्टेटोस्फियर चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल राइट अच्छे से तो जान लीजिए नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए समताप मंडल ओजोन परत इस तरीके से रोल अदा करती है कि वो स्टेटोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रखती है एक तरीके से समताप मतलब कि समान ताप वहां पे मिलता है राइट एक पर्टिकुलर रेंज में पर्टिकुलर हाइट में जो

बताइए मैंने आपको बोला ना कि कई सारे क्वेश्चन बनते हैं हेडक्वार्टर के टम में या उनके मतलब जो भी ऑपरेशनल चीजें हैं किसी भी इंपॉर्टेंट बॉडी के इम्पोर्टेंट सिस्टम के चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो उनके टम में क्वेश्चन बनते रहते हैं है ना तो इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है बताइए तिरुवनंतपुरम बैंगलोर अहमदाबाद या थुम्बा। प्रकाश झा बोल रहे हैं बैंगलोर रोहित मौर्य बोल रहे हैं सी चलिए तो बताइए भाई तो तीन चार लोगों ने जवाब दिया है ज्यादातर लोग भी बोल रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो क्या है बेंगलोर है आप लोगों ने दिया है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है बेंगलोर में स्थित है राइट अच्छे से याद कर लीजिए और इसरो की जो पूरी जर्नी रही है पूरी जो उसकी जर्नी रही है उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इसरो ने अब तक और आज की डेट में वो किस स्टेज में है वो किस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुका है किस चीज पे काम चल रहा है सारे डायमेंशन पे आपको डिटेल में जरूर जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए बिकॉज साइंस एंड टेक के में क्वेश्चन बनते रहते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है इसरो का वो काफी रोल अदा करता है क्वेश्चन मेकिंग में तो आपको मालूम होना चाहिए डिटेल में चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राज तरंगणी पुस्तक के लेखक कौन है कालिदास सोमदेव कलहड़ या बाड़ तो भाई बुक के टर्म में भी क्वेश्चन बनते हैं ये एक इंपॉर्टेंट बुक है बताइए राजतरंगणी के ऑथर कौन है कौन दे रहा जो आप सबसे पहले भाई राजतरंगणी की बात हो रही है किसने लिखा था रोहित मौर्या बोल रहे हैं सी तो बिल्कुल यहां पे रोहित मौर्या करेक्ट है कल्हर ने यहां पे राज तरंगणी बुक को लिखा था राइट राज तरंगणी बुक जो है वो एक तरीके से जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताता है क्या वहाँ का पोलिटिकल वो स्नेरियो रहा है है ना किस तरीके की वो जोग्राफी है वहाँ पे किस तरीके का आ, मतलब हर तरीके को उन्होंने कवर किया हुआ है वहाँ पे हर चीज़ों को कवर किया है चाहे वो जोग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे वो कल्चर हो है ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास को समझना है तो राइट right? कलर ने इसको लिखा था राजतरंगड़ी नाम है इसका चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस शहर को भारत की इत्र की राजधानी भी कहा जाता है विच सिटी इज ऑल्सो एज एड परफ्यूम कैपिटल ऑफ द इंडिया धनबाद कन्नौज सतना या जौनपुर अच्छा परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया परफ्यूम मतलब कि इत्र की राजधानी सुगंध की राजधानी है ना तो बताइए कौन सा शहर है जिसको हम इत्र की राजधानी भी कहते हैं भारत की इत्र की राजधानी देख परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है इसके भी क्वेश्चन बन चुके हैं मालूम होना चाहिए बताइए धनबाद है कन्नौज है सतना है या जौनपुर है रोहित मौर्य बोल रहे हैं भी प्रकाश झा बोल रहे हैं भी चलिए तो बिल्कुल यहां पे कन्नौज जो है करेक्ट आंसर है कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी कहा जाता है यानी कि द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया राइट कन्नौज एक ऐसा शहर है जो काफी लंबे समय से काफी पहले से ही वहां पे इत्र बनाए जाते रहे हैं और खास तौर पे एक मुगल काल में यहाँ पे ज्यादा एक वृद्धि देखी गई और जो परफ्यूम्स बनाए जाते हैं ना आज की डेट में सिर्फ ऐसे नहीं कि मतलब उसको आपने लगा लिया और आप महक रहे हैं सिर्फ आप सिर्फ आप ही महक रहे हैं है ना मतलब ये है कि कन्नौज एक ऐसा शहर है जो हर चीज़ को महका रहा है मतलब आप अपने लिए परफ्यूम यूज़ करें या आप कोई चीज़ सुगंधित खाना खाना चाह रहे हैं है ना जैसे कोई अगर आप बिरयानी आप खा रहे हैं है ना मुरादाबादी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी तो उसमें भी कोई कोई ना कोई फ्लेवर रहता है आपको एक सुगंध अट्रैक्ट करती है है ना तो उसमें भी परफ्यूम ही यूज किया जाता है आप कई सारी कैंडीज़ को खाते हैं उसमें भी परफ्यूम यूज किया जाता है है ना कई सारे पान ऐसे लगाए जाते हैं उसमें भी परफ्यूम का यूज़ किया जाता है तो खाने में भी परफ्यूम यूज होता है इत्र का यूज होता है तो ये सारा का सारा जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है सारी की सारी जो डिस्कवरी है रिसर्च है वो कन्नौज में होती है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कन्नौज इतना अच्छा शहर है इत्र के लिए इतना डेवलप्ड वहाँ की रिसर्च है कि मिट्टी की जो एक भीनी खुशबू होती है है ना एक जो सौंधी खुशबू होती है जब पहली बारिश होती है ना और उससे एक खुशबू आती है तो उस खुशबू का भी इत्र कन्नौज में आपको मिल जाएगा सोचिए कितना बढ़िया रिसर्च किया गया होगा कि ए, सुगंधित ए, मतलब जो मिट्टी की भीनी खुशबू आती है पहली बारिश के बाद बार, उस सुगंध का भी इत्र आपको मिल जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है अच्छे से जान लीजिए कन्नौज को चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है दिल, फेफड़े या मज्जा? हार्ट, ब्रेन, या तो हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं वो कहा बनती हैं ये आपको बताना है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बताइए किसको आंसर पता है इसका पूछा जा रहा है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है मतलब कि किस अंग में लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं ये बताना है आपको दिल मस्तिष्क फेफड़े या अस्थि मज्जा तो प्रकाश जब बोल रहे हैं डी टिंकल वर्मा सी बोल रहे हैं अच्छा चलिए तो यहाँ पे प्रकाश जी का आंसर करेक्ट है डी अस्थि मज्जा ठीक है फेफड़े नहीं होगा भाई फेफड़े फेफड़े से तो आप ऑक्सीजन लेते हो ऑक्सीजन वहाँ पे एब्जॉर्व होती है वो जाके ब्लड में मिलती है है ना और फिर वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैरी कराती है ठीक है और आपके सेल्स में वहाँ पे जो माइक्रोकॉन्डिया है या जितने भी फंक्शंस हैं मतलब एनर्जी को क्रिएट करने के टाइम में या हार्मोनल सिक्रेशन के टर्म में एंजाइम फॉर्मेशन के टर्म में सब में ऑक्सीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिलकर एक तरीके से ब्लड uh, फिर क्या करता है ट्रांसपोर्टर uh, का ट्रांसपोर्टर का काम करता है इंपॉर्टेंट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट uh, कोशिकाओं में सेल्स में है ना तो यहाँ पे बोन मैरो है जी बोन मैरो मतलब हड्डियों के अंदर ये बोन uh, मैरो मिलता है राइट वहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कणी कोशिकाएं बनती हैं राइट अच्छे से जान लीजिए जो एक वो मूवी आई थी ना कौन सी जिसमें कॉल रहता है कॉल उसको क्या चाहिए होता था बोन मैरो चाहिए होता है है ना ताकि वो अपने अंग को फिर से क्रिएट कर पाए रीजनरेट कर पाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोन मैरो तरीके से मैजिकल पार्ट होता है बोन मैरो बॉडी में अगर ये बोन मैरो काम करना बंद कर दे तो समझ लीजिए आप कितना भी अच्छा खाइए पीजिए आप क्या हैं मतलब कि कोई मतलब नहीं शरीर का बोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे शरीर में लाल रक्त कोचिकाएं बनाती है राइट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है इन विच स्टेट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इज सिचुएटेड दिल्ली मुंबई कोलकाता या जयपुर बताइए तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आप लोगों में से कई लोग इस गैलरी में जरूर गए होंगे कहां पे है ये बता दीजिए पूछा जा रहा है कि विच इन विच स्टेट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इज सिचुएटेड दिल्ली में है मुंबई में कोलकाता में है जयपुर में है बताइए बताइए भाई राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है आप लोग घूमने जाते हैं कई जगह और जब घूमने जाते हैं तो कई सारे जगहों को विजिट करते हैं उन जगहों में कई बार म्यूजियम भी शामिल होता है है ना तो इन्हीं म्यूजियम्स में से कोई एक म्यूजियम आपने जरूर देखा होगा जिसका नाम है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये कहाँ पे है रोहित मौर्य बोल रहे हैं तो बिल्कुल रोहित करेक्ट आंसर आपने दिया है दिल्ली दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट सिचुएटेड है राइट right? एक ऐसी गैलरी जहाँ पे मॉडर्न टाइम के मतलब एक उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के जो कलाकार रहे हैं आर्टिस्ट रहे हैं उनके आर्ट को यहाँ पे रखा गया है दिखाया गया है शो किया गया है जैसे अगर हम बात करें अः टैगोर की है ना और राजा रवि वर्मा की बात करें रवीन्द्र नाथ टैगोर की बात करें गगनेन्द्र नाथ टैगोर की बात करें तो ये जितने भी अच्छे कलाकार रहे हैं इनकी आर्ट को यहाँ पे शो कराया गया है काफी इंपॉर्टेंट है इस गैलरी के टर्म में और भी डिटेल में आप जा सकते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शहर सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है विच ऑफ़ दॉरिंग सिटीज़ नोन एज सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया मैसूर लखनऊ कोची या हैदराबाद बताइए सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है मैसूर को लखनऊ को कोची को या हैदराबाद को बताइए भाई तो यहां पे प्रकाश जब बोल रहे हैं ऑप्शन ए बाकी लोग भी बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या है चलिए भाई बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे विच ऑफ नोन एज सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जा रहा है मतलब किसको बोला जाता है इंपॉर्टेंट है जगहों को भी कई बार एक टाइटल दिया जाता है नाम दिया जाता है और उससे क्वेश्चन बनते रहते हैं तो इसी तरह क्वेश्चन है सारे लोग जवाब दीजिए फटाफट बताइए भाई प्रकाश झा बोल रहे हैं ए टिंकल वर्मा बी बोल रहे हैं रोहित मौर्य बोल रहे हैं ए बाकी लोग भी जवाब दीजिए भाई फटाफट बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर जान लीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पे मैसूर ही है है ना मैसूर 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 को क्या बोलते हैं हैं सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया अच्छे अच्छे से से जान लीजिए और मैसूर के और में आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। बाकी शहरों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं शहरों के में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं है ना और ये जो टाइटल्स दिए जाते हैं और भी शहरों को जो अलग अलग टाइटल दिए गए हैं उनको भी आप दिमाग में रखिए कि लखनऊ को क्या बोला जाता है कोची को क्या बोला जाता है आ, हैदराबाद को और किस नाम से जाना जाता है है ना सबका कुछ ना कुछ एक फेमस वो है ठीक है जिसकी वजह से वो एक टाइटल दिया जाता है तो आप वो दिमाग में जरूर रखिए क्वेश्चन बनता रहता है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस शहर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है विस इट इज नोन एज गेट ऑफ इंडिया गेट ऑफ साउथ इंडिया त्रिवेंद्रम कोयम्बटूर बेंगलुरु या चेन्नई चलिए बताइए यहाँ पे किस शहर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है चलिए जवाब दीजिए भाई जल्दी से बता दीजिए भाई यहाँ पे किस शहर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है विस सिटी इज नोन एज गेटवे ऑफ साउथ इंडिया त्रिवेंद्रम कोयबटूर, बेंगलुरु या चेन्नई तो प्रकाश झा ने यहाँ पे आंसर दिया है डी बाकी लोग भी जवाब दीजिए भाई अच्छा रोहित मौर्य यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं व्हाट इज़ दी परमानेंट मार्कर दैट इज़ नॉट रफ इजली एंड व्हाट इज़ इन नॉन परमानेंट मार्कर फ्रॉम दैट इट इज़ रफ इजली अच्छा मतलब यहाँ पे ये यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो रोहित मौर्य बेसिकली ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम मार्कर यूज़ करते हैं वो उसमें क्या होती है इंक होती है है ना और जब भी इंक बनाई जाती है तो उसमें सॉल्यूट एंड सॉलवेंट दो चीज़ों का यूज किया जाता है है ना कुछ सॉल्वेंट uh, जो होते हैं रेजन्स होते हैं कुछ जो होते हैं नॉन रेजन सॉल्वेंट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती है सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि वो इजिली रब uh, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है है ना तो ये थोड़ा से डिटेल डिस्कशन है इसको अगर आप डिस्कस करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा इसको मैं कोशिश करूँगा कि अगले क्वेश्चन में अगले क्लास में इस क्वेश्चन को रखा जा सके है ना ताकि वहाँ पर डिटेल इसको हम डिस्कस कर पाएँ बट मोटा कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आप रखिए कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का ही खेल है और दूसरा सरफेस का भी खेल है बिकॉज सरफेस में भी जब आप कोई चीज़ अप्लाई करते हैं इंक करते हैं तो वहाँ पे आसंजक बल एडहेसिव फोर्स भी काम करता है है ना जो कि चीज़ों को चिपका लेता है है ना और जब डीप लेवल पे वो चिपक जाएगा है ना तो फिर वो क्या होगा जल्दी छूटेगा नहीं रब नहीं करेगा ठीक है तो के, केमिस्ट्री में एक दो वर्डिंग और होती है एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉप्शन है ना तो एड्जॉप और एब्जॉप जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है फोर्स से ही जनरेटेड होता है तो ये दो चार टर्म्स है चीजें हैं जो हमें डिटेल में समझना पड़ेगा तभी ये क्लियर हो पाएगा कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन अगले सीरीज में मतलब अगले क्लास में इसको डिस्कस कर पाऊं चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता दू यहाँ पे जो शहर है जिसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दैट इज चेन्नई अच्छे से याद कर लीजिए चेन्नई को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है यानी कि गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है है ना अब देखो यहाँ पे यह भी एक टाइटल दिया जा चुका है चेन्नई को शहर के रूप में मतलब इस शहर को एक नए टाइटल के रूप में रखा गया है तो हर शहर का कुछ ना कुछ है वो आपको जरूर याद कर लेना चाहिए खासतौर पर अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके टाइम में भी क्वेश्चन बन, बन सकता है तो याद होना चाहिए आपको चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कादंबरी पुस्तक किसने लिखी है हु राइट दी बुक कादंबरी बाढ़ भट्ट हरिशेण विष्णुगुप्त या उपरोक्त में से कोई नहीं चलिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बता दीजिए कि कादंबरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है हु राइट दी बुक कादंबरी काफी इंपॉर्टेंट है कादंबरी बुक जो है वो आ, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए कि पुराने समय में भी क्या कोई रोमांटिक पुस्तक लिखी गई कोई पुरानी रोमांटिक नावल है या नहीं है तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहे हैं तो वो कादम्बरी ही है मतलब अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस टाइम पे जो एक रोमांटिक नावल लिखी गई थी वो कादम्बरी है राइट और इसको लिखा है बाण भट्ट ने किसने लिखा है ने तो यहां पे रोहित मौर्या ओके थैंक यू सर प्रकाश जब बोल रहे हैं बी रोहित मौर्या A, बोल रहे हैं चलिए बताइए भाई अच्छा मैंने बता दिया यहाँ पे करेक्ट आंसर बाढ़ भट्ट जी तो कादंबरी जो है कादम्बरी बुक को किसने लिखा है बाढ़ भट्ट ने लिखा और मैंने आपको क्या बोला कि बढ़िया बुक है अगर आप ये सोचते हैं कि कोई नॉवेल है अगर ऐसी कोई या पुस्तक है जो रोमांटिक स्टोरी को बताती हो तो बिल्कुल है ऐसी और वो है कादम्बरी बाण भट्ट भट्ट जो है वो हर्ष के समय के कवि हैं एक तरीके से है ना और उन्होंने इसको बखूबी यहाँ पे अच्छे से लिखा है राइट आपको मालूम होना चाहिए कि कादम्बरी जो नॉवेल है वो जो रानी है एक तरीके से रानी के रूप में उनको रखा गया है इस उपन्यास में वो है कादम्बरी राइट right? और जो आ, लवर है मतलब कि <laughs> यहाँ पे जो अगर लव स्टोरी के तौर पे देखा जाए तो जो रानी है वो कादम्बरी हैं और यहाँ पे चंद्रपदी चंद्रपदी ये इनके प्रेमी रहते हैं कादंबरी के राइट और इन दोनों की ही क्या होती है लव स्टोरी होती है राइट इस लव स्टोरी को कादंबरी के रूप में जाना जाता है किसने लिखा है बाण भट्ट ने लिखा है राइट अच्छे से याद कर लें चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था नील दर्पण प्ले वॉज रिटर्न बाय दीन बंधु मित्र अरविंद मित्र अरविंद घोष या मोहम्मद इकबाल बताइए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है और हिस्ट्री में इसको एक तरीके से जन भावना को जन भावना को एक तरीके से एक राष्ट्रवाद भावना के रूप में लाने के लिए इसका रोल समझा जाता है है ना मतलब कि आम जनमानस को भी राष्ट्रभावना से ओतप्रोत करने में इस नाटक का काफी इंपॉर्टेंट रोल समझा जाता है और इसका नाम है नील दर्पण नाटक तो आपको बताना है किसने इसको लिखा था राइट right? चलिए जवाब दे दीजिए चलिए तो मैं आपको बता दूंगा यहां पर करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे दीनबंधु मित्र जी दीनबंधु मित्र ने मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था और उस टाइम पे जो बंगाल एजिटेशन हुआ था ना? और वहाँ पे इंडिगो जो मूवमेंट चल रहा था नील जो मूवमेंट चल रहा था नील आंदोलन चल रहा था उसके टर्म में इस नाटक को लिखा गया था है ना आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ लोग उस समय कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिगो की खेती कराते थे नील की खेती कराते थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए बिकॉज उस समय दो आ, चीज़ें दो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो था कॉटन और दूसरा था इंडिगो कॉटन से कपड़े बनाए जा रहे थे और इंडिगो जो है वो रंगाई में काम आता था है ना कपड़े को रंगने के टाइम में उस समय ज़्यादा कलर्स डिस्कवर नहीं हुए थे है ना तो वहाँ पे इंडिगो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता था ब्रिटिश एम्पायर को या ब्रिटिश एम्पायर के खजाने को बढ़ाने के लिए तो वो कहीं ना कहीं इसको प्रेसराइज करते थे उनकी नीति ऐसी थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो उगाएं खेती करें नील की ताकि उनको फायदा हो पाए तो इन सब चीजों के खिलाफ जो मूवमेंट था उसको एक तरीके से नील मूवमेंट बोला जाता है नील आंदोलन बोला जाता है और उसी से प्रेरित होकर यहाँ पे नील दर्पण नाटक को लिखा गया है राइट जिसमें राष्ट्रीय भावना को भी एक तरीके से उकेरा गया है मतलब कि दिखाया गया है चलिए बढ़ते हैं ने सवाल की तरफ विशेष रूप से उमस भरी गर्मी में शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर की क्रिया के कारण होती है द फॉल स्मेल फ्रॉम अ बेबी बॉडी सॉरी फ्रॉम अ बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग अ सॉल्ट्री समर इज ड्यू टू दी एक्शन ऑफ ऑन सेट मेलेनिन नमी बैक्टीरिया या वायरस तो आपको बताना है कि विशेष रूप से उमस भरी गर्मी में शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर क्रिया के कारण होती है किसके कारण होती है मतलब कि बॉडी में जब आ, पसीना निकलता है है ना चाहे वो उमस की वजह से हो चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो एक्सरसाइज करने के बाद जब पसीना निकलता है उसके बाद क्या होता है उसमें एक स्मेल आती है तो वो स्मेल किसकी वजह से होती है ये आपको बताना है चलिए बता दीजिए द फॉल स्मेल फ्रॉम अ बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग अल्ट्री समर इज ड्यू टू बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट जवाब मैं आपको बता तो देता हूँ इसका करेक्ट जवाब है बैक्टीरिया <interf drink> जी क्या होता है बैक्टीरिया जब पसीना निकलता है शरीर से है ना तो हमारे एटमोसफियर में क्या होते हैं कई सारे बैक्टीरिया होते हैं फिर वो बैक्टीरिया क्या करता है हमारे पसीने से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद उसको फॉली बना देता है उसमें से दुर्गंध लाने आने लगती है बैक्टीरिया जहाँ पे भी, भी एक तरीके से रिएक्ट करता है उसको डीजनरेट करने की कोशिश करता है तब वहाँ पे स्मेल आनी शुरू हो जाती है कोई भी एक तरीके से पदार्थ हो है ना हमारा पसीना भी एक पदार्थ ही है तो उसमें बैक्टीरिया का इंट्रैक्शन होता है बैक्टीरिया रिएक्ट करता है और वहाँ पे उसकी स्मेल को फाउली बना देता है तो ये एक रीज़न है ये आप अच्छे से जान लीजिए दुर्गंध जो है आदमी के शरीर से नहीं निकलती है ना कोई आदमी अगर बहुत पसीने से वो कर रहा है आप नाक बंद कर रहे हैं एक कहीं कहीं घृणा का भी भाव रखने लगते हैं तो ऐसा नहीं है जो पसीना निकलता है वो नॉर्मली सबका पसीना सेम होता है लेकिन जो दुर्गंध आती है वो क्या आती है बैक्टीरिया के इंट्रैक्शन की वजह से होती है राइट right? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पर्वतारोही लगभग डैश मीटर से ऊपर की ऊंचाई को मृत क्षेत्र कहते हैं माउंटेनियस रेफर टू एट्यूड्स अबाउट मीटर्स एज दाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड या सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड मतलब कि जो आ, पर्वतारोही हैं पर्वतारोही जब ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो किस ऊंचाई को एक डेथ जोन की तरह मानते हैं मतलब कि पर्वतारोहियों को जब भेजा जाता है तो उनके लिए जो डेथ जोन बताई जाती है वो जोन कौन सी है कौन सी हाइट है जो डेथ जोन के रूप में बताई जाती है उनको सावधान किया जाता है कि इस जोन में जब आप पहुंचेंगे तो ये आपके लिए डेथ जोन हो सकती है जान का खतरा हो सकता है तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है रोहित मौर्य बी बोल रहे हैं प्रकाश झा बोल रहे हैं सी चलिए तो करेक्ट जवाब यहां पे जान लेते हैं करेक्ट जवाब यहां पे एट थाउजेंड क्या है एट थाउजेंड बेसिकली ये क्या है कि एट थाउजेंड आप देखो कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो क्या है एट थाउजेंड मीटर से भी ऊपर है है ना लेकिन माउंट एवरेस्ट भी लोग पहुंचते हैं और वहां पे क्या है अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ले जाते हैं तभी वहाँ पे वो जीवित रह पाते हैं लेकिन अगर उससे नीचे भी वो सिलेंडर ना लगाएं अगर एट की हाइट तक में भी अगर वो सिलेंडर का यूज ना करें तब भी उनकी जान को खतरा हो सकता है मतलब ये जो, जो जोन होता है वो डेथ जोन होता है राइट अच्छे से याद कर लें चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रक्षेप किस कोण पर अधिकतम छैतीस रेंज प्राप्त करेगा एट विच एंगल विल दी प्रोजेक्टाइल अचीव मैक्सम हॉरिजेंटल रेंज थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री या नाइनटी डिग्री तो चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा काफी इंपॉर्टेंट है जब आप कोई चीज प्रोजेक्ट करते हैं और उसको मैक्सिमम रेंज तक ले जाना चाह रहे हैं मतलब आप चाह रहे हैं कि वो काफी दूर तक जाके गिरे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निक यूज करनी पड़ती है टेक्निक ये है कि आपको किस एंगल पर फेंकना है ताकि जो रेंज है वो मैक्सिमम मिल पाए तो वही एंगल आपको बताना है किस एंगल पे फेंकना है और ये जो चीज आप देखें, आप देखेंगे अगर इसको गेम में देखें तो जैसे फुटबॉल है है ना या जैवलिन थ्रो है तो कोई भी चीज अगर फेंकी जा रही है तो या डिस्क थ्रोवर जो है है ना तो उसमें इस टेक्निक को कहीं ना कहीं यूज किया जाता है किस तरीके से हाथ को किस एंगल से झटका दिया जाता है पैर को किस एंगल से झटका दिया जाता है एक जोर दिया जाता है बॉल पे फुटबॉल पे ताकि वो मैक्सिमम रेंज तक जा पाए मैक्सिमम दूरी तक जा पाए तो वो आपको बताना है प्रकाश जब बोल रहे हैं यहाँ पे बी तो बिल्कुल यहाँ पे प्रकाश जी का आंसर करेक्ट है 45 डिग्री पे जब आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एक मैक्सिमम रेंज तक कवर करता है मतलब मैक्सिमम दूरी तक जा पाता है राइट right? मतलब आपका जो एफर्ट है वो एक तरीके से उसमें एंगल का काम आ जाता है एंगल का रोल आ जाता है कि उस एफर्ट में अगर आपने उस एंगल की टेक्निक यूज कर ली तो उस एफर्ट के द्वारा आप मैक्सिमम रेंज को प्राप्त कर सकते हैं राइट तो ये है अब अगर आप मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन आप टेक्निक नहीं यूज कर रहे हैं आप फोर्टी डिग्री पे उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप नाइन्टी डिग्री पे कर रहे हैं सिक्सटी डिग्री पे कर रहे हैं तो वो रेंज आपको नहीं मिल पाएगी राइट तो ये टेक्निक जरूर दिमाग में रखिए 45 डिग्री पे मतलब जो कोच होता है खासतौर पे जो जैवलिन थ्रो का फुटबॉल का है ना वो यही देखने की कोशिश करता है कि उसका जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से एंगल बना पा रहा है बना भी पा रहा है नहीं बना पा रहा है बिकॉज ये टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है टेक्निक से ही वहाँ पे वो मैक्सिमम रेंज प्राप्त कर सकता है तो भैया यही थे 25 फाइव क्वेश्चन जो आपके आने वाले कॉम्पिटेट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आई होप आपने आंसर को याद कर लिया होगा और डिस्कशन को भी समझ लिया होगा है ना और अपने फीडबैक जरूर देते रहिए लाइव क्लास से जुड़ जाया करिए अपने दोस्तों को जुड़ जाए जुड़ा करिए बिकॉज ये जो क्लास होती है वो आपके आने वाले कॉम्पिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है बिना इसमें आपको बुक में सर्च करने या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इस चैनल में आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस प्ले को उनको देखें समझें अपने फीडबैक दें क्या उसमें सुधार किया जा सकता है क्या नई चीज आपको दी जा सकती है है ना या स्ट्रेटीजी के ही लाइव क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है ये सब आपके फीडबैक जरूरी हैं तभी इसको हम अच्छा कर पाएंगे राइट तो दोस्तों यही थे आज की क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी जो भी वीडियोज आती रहती हैं उनको भी जरूर देखा करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो राइट चले तो पढ़ते रहिए मस्त रहिए, इंजॉय करिए और बारिश का भी मजा लेते रहिए मानसून पूरे भारत में लगभग कवर हो चुका है तो मजा लेते रहिए पढ़ते रहिए थैंक्स लॉट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो